हाय गाइस, वेलकम बैक टू एम ब्रोज रिएक्शंस। और आज हम बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं, और इस वीडियो का टाइटल है मोदी और इमरान खान के नन्हे फैंस को देखकर बताइए कौन सा बच्चा किस पर भारी है। तो ये बच्चे जो है वो फैंस हैं इमरान खान और मोदी जी के, देखते जैसे कि हैं कि बड़े बड़े कितने भी बहुत बड़े बड़े फैन रहते हैं, तो बच्चे कैसे इंडिया फैन में है फिर बात भी। बोला जाता है। मेरे खुद के निहारी बोल, सब सीधा आई नहीं रही बोल। आई नहीं रही, हाँ सबसे निहारी नहीं बोल, रही, निहारी निहारी दिखा दो। 1 साल बाद दारू क्यों पीने जा रहे हो? मैं दारू पैसे की पी रहे अपन, पैसे की पी रहे तो पैसों की होगी तो भरवा लो। तो अकाउंट में पैसा तो आना चाहिए सब्सिडी का, वो नहीं आ रहा। तो सरकार तो खा रही है, खागी सरकार कहाँ से खागी? बीजेपी सरकार तो खा रही है। और दारू बोला आपको, लोगों के 4 साल टंकी आती थी पहले, आजकल है ना गाँवों में जा रही है। मोदी सरकार ने बोला, मोदी जी ने, कि है ना मेरा 1% काला धन हो ना नोटबंदी में, 1 रुपया काला धन का हो तो मेरे को जेल के किसी भी चौराहे पर खड़ा करके जला देना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। सारा हिसाब दिया 1-1 रुपए का, और है ना सब्सिडी कहा था मोदी जी ने, क्या ना जिनके 4-4 सब्सिडी दी है वो 3-3 मिलियो। आपको नहीं दिया मीडिया पे जाके, देखा आज तक पे जाके। अरे एक मिनट रुको, ये मोदी जी ने नोटबंदी करवाया, उसका क्या फर्क पड़ा? नोटबंदी से 17% काला धन अभी निकल गया, लोग है ना 100% पैसे दिखा रहे हैं सब। कितने जने मरे, कितने जने कौन मर गया? जो लाइन में लगे होते हैं, लाइन में तो सभी लगे होते हैं। मोदी की माँ भी लगी थी लाइन में, तो बताऊंगा क्या, उसने छोड़ दिया परिवार, इसलिए बोल रहा हूँ आज। आप मोदी जी की शादी हिम्मत होनी चाहिए, मोदी जी की शादी हो गई है। मोदी जी ने शादी नहीं करी, आरएसएस का नेता है। तो आज भी बोलता हूँ शादी हो गई है, कौन कहता है? पुष्कर माई थी अभी अगले महीने, वो है ना आप जो बोल रहे हो ना, वो आज तक पे आया था वायरल टेस्ट, उसमें अखबार में आ गई बलेंसी, आज तक दुनिया का नंबर 1 चैनल है भारत का, उसमें वायरल टेस्ट रिपोर्ट आई थी, उसमें ये सब झूठा करार दिया गया है। और है ना उसके बाद राहुल गांधी जो कह रहा था मैं शिव भक्त हूँ, मेरी फैमिली शिव भक्त है, वहाँ पे जाके उस पर सवाल उठ गया कि ये है ना गैर हिंदू है। क्या बात, ये सब्सिडी बंद हो जानी चाहिए, नहीं हो जानी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? मैं तो भैया बोल रहा हूँ बीजेपी सरकार आनी चाहिए। तो मिलेगी आपको, कैसे मिलेगी? आप करो तो सही कोई काम। सब कुछ कर ली, बैंक में आधार कार्ड और पासबुक जमा करा दी, आज तक भी नहीं आ रही। भाई आपके बीजेपी पे पोलिंग बूथ है ना, लेकिन जो है ना एक अभी बाहर खड़े हुए थे तो वो कहना शुरू हो गए थे श्री मजारी को मोटा, श्री मजारी को। मैं कह रहा हूँ अगर मैं स्पीच करूंगा ना तो मैं सिर्फ नवाज शरीफ पे करूंगा, मैं सिर्फ नवाज शरीफ पे वो करूंगा कि वो बुरा है। मैं मरियम नवाज को नहीं कर सकता। क्यों? मरियम नवाज अच्छी है। अच्छी तो करप्ट है वो भी करप्ट है, करप्ट है। लेकिन हम वुमन को कुछ कह नहीं सकते, वुमन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। क्या बात है, हाँ ये नहीं कि वो बस। लेकिन अगर वीमेन करप्ट हो तो फिर, अगर करप्ट हो ना तो आप उनको कुछ ज्यादा उनके ऊपर उनके साथ मींस किसी जो होता है आपका जलसा उसके अंदर उसके ऊपर शॉक ना करोगे, आपने ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया। देखिए इमरान खान भी सिर्फ नवाज शरीफ के बारे में बात करता है, तो ऐसा ना करोगे उसके ऊपर तनकीद करते जाओ। आप सिर्फ मैम तो करो कि जैसे नवाज शरीफ है, अब नवाज शरीफ पे आप सिर्फ करें, मरियम नवाज पे ना जाए। हमें पता है ना कि पूरी फैमिली करप्ट है, इन्वॉल्विंग मरियम नवाज, हमजा शहबाज। आप एक फैमिली के पीछे बढ़ रहे हैं, हमें अपने आप को करप्ट नहीं करना चाहिए? हम क्यों वोट देते हैं उन्हें, हम ऐसे करप्ट लीडर्स को क्यों वोट देते हैं? ये है आपकी तो फैमिली पूरी सपोर्ट करती रही है। मैं बताता हूँ, हमारी जो वोट जो होते हैं ना पीटीआई को ही सारे देते हैं, लेकिन वोट पता है ना उन्हीं को किस चीज पे मिलते हैं? किस चीज पे मिलते हैं? 5,000 रुपीज एंड 1 प्लेट ऑफ बिरयानी। आप कह रहे हैं कि मेरे पापा ने 2013 में भी इसको किया था, 13 में, और 2008 में भी पीएमएलएन को सपोर्ट किया था, तो इसका मतलब है कि आपके पापा ने 5,000 रुपीज और 1 बिरयानी ली थी। हमने नहीं ली थी, क्योंकि उस वक्त आपको पता है कि 2013 में भी पीटीआई को कोई जानता ही नहीं था। ठीक है, पीटीआई तो पॉपुलर अब तब तो जानता ही नहीं था। क्या आपको लगता था कि पीटीआई ने पनामा लीक्स का झंडा इसलिए उठाया था कि वो पॉपुलर हो जाए और वो भी पाकिस्तान की एक करप्ट हुकूमत बन जाए? नहीं, एजेंडा हमने उठाया नहीं था, उठाया नहीं था, हमने नहीं किया था। एनएमआर पेपर आपको नहीं पता, हमने नहीं इशू किया था। इस्लामिक जमीयत जो है ना, जमात इस्लामी ने नहीं किया था। अच्छा, जो पनामा पेपर इशू किया था एक जर्मनी की थी, वो
साइड की लड़ी थी, उन्होंने इशू किया था, उन्होंने सारा कुछ करके पैनामा पेपर्स इशू किया था पाकिस्तान के अंदर में। हाँ, हाँ। तो तब मियां नवाज शरीफ का भी अंदर नेम था। अच्छा, ये कहते हैं कि मियां साहब जो है, मियां नवाज शरीफ साहब, इन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, इन्होंने मोटर रेल बनाई है, इन्होंने लोड शेडिंग खत्म कर दी है, तो ये काम। अच्छा, लोड शेडिंग जो है ना, वो तो अभी भी 16 घंटे रहती है, 16 आवर्स। और आठवीं जो है, आठवीं तक जो है ये जो है ना, मियां नवाज शरीफ ने नहीं बनाई थी, ये उन्होंने बनाई थी, क्या नाम है, डॉक्टर करीब। डॉक्टर करीब को किसने पार्टी थी ना, अप्रूवल भी होती है ना, फाइनल अप्रूवल नहीं दे रहे थे ना गवर्नमेंट। जब वो जब उन्होंने पहली ट्राई की थी ना आइटम बॉम्ब, डॉक्टर वो करीब का जो था, उन्होंने एक माउंटेन के ऊपर ट्राई किया था आइटम बॉम्ब, और जो है तब जुल्फिकार भुट्टो ये डॉक्टर कदीर खान साहब यहाँ पे आए थे सरगोधा यूनिवर्सिटी, वो भी कहते हैं कि जुल्फिकार भुट्टो और बेनजीर भुट्टो ने मुझे सपोर्ट किया था और उन्होंने बनवाया था मुझे। तो पर नवाज शरीफ को क्यों क्रेडिट मिल रहा है? अब आप खुद अपनी बात पे गलत आ रहे हैं। छोटे होना तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करोगे, लोग आपको पता नहीं यहाँ पे सोसाइटी कैसी है। दोनों पॉलिटिशियन बनेंगे भाई, ये बहुत क्यूट लगा लास्ट में, ये पाकिस्तानी जो ना, दोनों बच्चे यार पॉलिटिशियन बनेंगे पक्का यार बड़े होके, क्योंकि इनके जो अभी से जो बोल बचन है ना, पॉइंट टू पॉइंट वो बहुत सही है। और पॉलिटिशियन होने के लिए आप में ये क्वालिटी होना, तो लास्ट वाले बंदे ने सामने को चुप करा दिया, तो आप खुद अपनी बात पे वो वाला सही लगा मुझे यार। और वो मोदी वाला भी सही था बच्चा यार, उसने भी चुप कर दिया यार, बंदे ने भी, और वो तो एकदम अग्रेसिव होके मतलब तूने ऐसा बोला तो बोला कैसे, उसने हैंड टू हैंड उसे बोलता है कि आज तक ये ऑस्टिंग ऑपरेशन हुआ था, इसमें उसे प्रूफ गलत प्रूफ किया गया। यही फर्क है जो हमारे मोदी भक्त है और जो हमारे इमरान खान के भक्त हैं, भक्त मतलब बोले तो फैंस, इंग्लिश में फैंस जो होते हैं ना, तो ये पाकिस्तान में थोड़ी सी उर्दू यूज होती है तो ऐसा लगता है जैसे अदब से बोल रहे हैं, ऐसी है और हिंदी में वो बंदा कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो गया था, बंदे बहुत शांत। ये जो सेकंड वाला बंदा था कूल था, बहुत सेकंड वाला क्या है उसकी फैमिली के साथ था, हाँ मेरी, और फर्स्ट वाला जो है वो कहीं और ही झंडे बेच रहा था, तो वीडियो शूट कर रहे थे कोई और ही, और उससे बोले थे डीमोनिटाइजेशन में इतने लोग मरे, उसके बारे में क्या ख्याल है, बोले मोदी की माँ तुम मरे, अरे तुम मरे, उसको क्या बोला तुम मरे, और ये भी बोलता है कि साथ में मोदी की माँ भी खड़ी हुई थी, ये मत भूलो, परिवार छोड़ दिया हमने, ये भाई बंदे को मानना पड़ेगा, दोनों है तो बहुत तगड़े वाले यार, फैंस बनो ना तो ऐसे बनो किसी के भी। खैर शुक्र है अपन किसी के फैन नहीं है, हम किसी के फैन नहीं यार, हम तो सिर्फ कंट्री का भला चाहते हैं बस, जो भी भला हो, जो भी हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने, बस कंट्री से करप्शन खत्म हो, महंगाई कम हो, बस हम यही चाहते हैं, तरक्की हो, हमारी कंट्री आगे बढ़े, यूएसए, इंग्लैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज में हमारा भी नाम। आजादी से पहले अपना जो रुपीज था ना वो ₹1 पर डॉलर था आजादी से पहले, ये पिछले आजादी के बाद में ये नौ बताइए अपनी, मतलब आजादी के बाद और ज्यादा नीचे गिर गया, इससे अच्छा तो वैसे ही रहता। नहीं बट गुलामी भी, वो भी तकलीफ थी अपने लिए। हाँ तकलीफ तो थी, सही है। खैर गुलाम तो आज कोई भी देश नहीं, शायद गुलाम कोई भी नहीं है, बट फिर भी हम एक तरीके से अब भी आज़ाद नहीं हुए बहुत सारी चीज़ों से, करप्शन ले लो, महंगाई ले लो, वो तो हर आज़ाद देश में होता है, रैप ले लो। यार बहुत सारी कंट्रीज में इतना नहीं है जितना यहाँ है, एशिया में बहुत ज़्यादा है। वो एक्चुअली क्या है कि अगर यहाँ पर इस्लामिक हुकूमत पूरी तरह से, चाहे कोई सी भी एशियन कंट्री हो, पूरी तरह से नहीं आई है, इस्लामिक हुकूमत है बट पूरी तरह से आ जाए ना, कि करप्शन करने वाले को ऐसी सजा दो कि वो भी याद रखें, हाँ, जो इस्लामिक कानून, हाँ अगर वो पूरी तरह से आ जाए तो आई थिंक ये सब बन हो सकता है। हाँ डर के मारे इंसान चोरी करने से पहले सोचेगा कि मेरे हाथ चले जाएंगे अगर चोरी किया तो मैंने। हाँ जैसे दुबई में इतना सख्त कानून है, दुबई, सऊदी अरेबिया, इनमें सीधे हाथ काट देते हैं रेप करने वाले का बैंड। और वो जो वहाँ के लोग कभी नमाज पढ़ने जाते हैं जुम्मे की, तो वो शॉप वगैरह अपनी खुली छोड़कर ही चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें चोरी का कोई डर नहीं रहता है, क्योंकि चोरी होती नहीं है वहाँ पे। और अगर ऐसा हो जाए, एक मैंने वो इंटरव्यू मतलब एक पोस्ट आया था मेरे पास व्हाट्सएप पे, दुबई में लास्ट चोरी 2003 या 2004 में हुई थी लास्ट चोरी, और चोर का क्या हुआ था। और हमसे तो ये पूछते हैं लोग कि आज कितनी चोरी हुई, कल कितनी चोरी हुई, हमारे यहाँ रिकॉर्ड होते हैं पुलिस स्टेशन पे कि आज इतनी चोरी हुई, इस इलाके में इतनी चोरी हुई है, इस इलाके में इतनी चोरी हुई है, मध्य प्रदेश में इतनी चोरी हुई, इंदौर में इतनी चोरी हुई, खजराना में इतनी चोरी हुई है। ये भी होता है, तो ये चीज़ बंद हो जाए तो अच्छी बात है। तो माशाल्लाह इस तरह के फैन बनो, जो हो वो ठीक है, जो नहीं है तो भाई मैं बनने का बोल नहीं रहा हूँ, यहाँ तक हो सके ना फैन ना बनो तो बेटर है, सिर्फ तरक्की की तरफ देखो, फैन बनने से कुछ नहीं होता। हाँ अगर आपको नेता बनना है तो बात अलग है, इफ़ यू वांट टू जॉइन पॉलिटिक्स देन यू शुड टू बी अ फैन ऑफ एनी पॉलिटिकल पॉलिटिशियन। सो गाइस बताओ कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।
और हमारे 100 के सब्सक्राइबर्स करवा दो यार। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैकलॉड नॉट ऑल।